नमस्कार वीवर, स्वागत है आपका शेर सिंह बोनसाई चैनल में। वीवर, आज हम आपको बताएंगे कि जेड प्लांट से बोनसाई सबसे पहले किस तरीके से ट्रेन करते हैं। ये देखिए वीवर, आप सबसे पहले तो इस तरीके से कोई पोट लेके उसमें कटिंग लगा दें और कम से कम कटिंग को 7-8 महीने तक ग्रो होने दें वाइल्डली। ये देखिए इस तरीके से व्यूअर, ये छोटी से छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। आप ये फ्री में ही इस तरीके का बोनसाई बना सकते हैं व्यूअर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि ये बोनसाई की प्रक्रिया किस तरीके से चालू की जाती है। तो वीडियो करते हैं चालू। ये देखिए व्यूअर, जिस तरीके से मैंने ये कटिंग लगा रखी है, इसमें 3 कटिंग लगा रखी हैं। ये मैंने 6-7 महीने पहले लगाई थी। अब ये देखिए, ये अब पहले उस पर पड़ाव पे चालू हो गया। अब इनको निकाल के और दूसरे पोर्ट में शिफ्ट करेंगे और इसमें वायरिंग वगैरह करके फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से वीवर बोनसाई सबसे पहले क्रिएट किस तरीके से करते हैं, शुरुआत किस तरीके से करते हैं। वीवर इनको निकालते हैं हम इन पोर्ट के अंदर से। ये देखिए इस तरीके से इसमें से निकाल के आज हम इनको बड़े पोर्ट में लगाएंगे ताकि हमें ग्रोथ और ज़्यादा फास्ट मिले। अगर आप इनके लिए बड़ा पोर्ट लगाएंगे, पहले तो आपने छोटे पोर्ट में ही इनकी कटिंग तैयार करनी है। जब ये थोड़े से मैच्योर हो जाए, जब आपको इनको बड़ा पोर्ट देना है, जैसे ही आप इनमें बड़ा पोर्ट लगाएंगे तो ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज हो जाएगी और आपका बोनसाई जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग निकाल दी है, 3 कटिंग निकाल दी है, तीनों को ही लगाएंगे हम अलग अलग पोर्ट के अंदर। ये देखिए और ये मैंने पोर्ट लिए हैं, देखिए इनके लिए उससे थोड़े बड़े पोर्ट हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग निकाल दी है, 3 कटिंग निकाल दी है, तीनों को ही लगाएंगे हम अलग अलग पोर्ट के अंदर। ये देखिए व्यूअर, ये मैंने पोर्ट लिए हैं, देखिए इनके लिए ही उससे थोड़े बड़े पोर्ट हैं ये। मैं मिट्टी भर लेते हैं। आप पीपर इनकी मिट्टी जो बनाएं वो थोड़ी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जिनमें पानी वगैरह रुके ना, रेत का मिक्सर ज़्यादा होना चाहिए उसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से हमने प्लांट लगाने हैं इनके अंदर। ये देखिए इस तरीके से प्लांट आपने सेट कर लेना है और इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देना है। ये भी और मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर रखी है, इसमें गोबर की खाद वगैरह, जो पत्तियां वगैरह पुरानी हमारे पौधों की निकलती हैं वो आप फेंके नहीं, इकट्ठे करते चले जाएं, वो धीरे धीरे इन गमलों के अंदर कंपोस्ट बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसको प्रेस कर दें तो ये प्लांट अपने आप में ही रुक जाएगा। ये देखिए
अभी अगर हमने इस तरीके से इस प्लांट को लगा दिया, अब हमने देखना है इसकी कौन सी ब्रांच हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, ये चीज़ देखनी है हमने इसके अंदर। ये थोड़ा सीधा, ये देखिए अब जो ब्रांच हमें चाहिए वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको क्लीन करते चलेंगे हम। सबसे पहले नीचे से एक ये चाहिए हमें, एक ये कटिंग करनी है हमें, एक ये कटिंग करनी है हमें, एक ये कटिंग करनी है। इनके बाद में और पैड क्रिएट करना है हमने, पैड बनाने हैं इनके अंदर इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से एक छोड़ एक हमने काट दिया, ये देखिए इस तरीके से हमने जितनी भी इसकी ग्रोथ है सारी रोक देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें ये थोड़ा बहुत आपको पेड़ की शक्ल दिखाई देने लग गई होगी इसकी। इस तरीके से व्यूअर इसकी शुरुआत करते हैं बोनसाई बनाने की। अब इसमें पानी वगैरह लगा के इसको शेड में रख देंगे हम, 4-5 दिन तक इसको शेड में ही रखिए, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप इनको शेड में रखिए इस तरीके से भी, और पानी वगैरह दे के इनको और शेड में लगा दीजिए। जैसे जैसे अब इसकी ग्रोथ चालू होती चली जाएगी तो हम इनके पेड़ बनाते चले जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा बोनसाई बन जाएगा व्यूअर। जैसे आपको ये सीधा दिखाई दे रहा होगा, तो एक काम करते हैं इसके अंदर हम इसको शेप में दें लाने के लिए वायरिंग कर देते हैं, जो इसकी मेन ब्रांच है उसको थोड़ा बहुत शेप में कर देते हैं। ये देखिए और इस तरीके से अब आपको ये शेप में दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से व्यूअर बोनसाई बनाने की शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया व्यूअर पहला, अब आपको दूसरा दिखाते हैं। दूसरा प्लांट हम दोबारा इसी में ही लगाएंगे। ये देखिए और हमारे इस ब्रांच ये इस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से ही ग्रो करेंगे। मिट्टी अच्छी तरह प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें एयर पॉकेट वगैरह ना रहें। ये देखिए इस तरीके से इसमें भी पानी वानी देंगे
और इसकी भी हम जो ब्रांच हमें चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा दे कर ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर देंगे हम। और ये इस तरीके से हम पेड़ बनाते चलेंगे। ये व्यूअर अब सिंगल सिंगल जैसे हमने पोर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तीसरा प्लांट व्यूअर इसके अंदर लगाते हैं हम। पहले इसके अंदर जो कंकरी वगैरह रख देते हैं। ये देखिए फिर ये हमारा तीसरा प्लांट, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। इस तरीके से भी, और मैं भी मिट्टी वगैरह डाल के ये देखिए और हमने तीसरा प्लांट भी लगा दिया। अब इसकी भी कटिंग प्रूनिंग करेंगे। नीचे नीचे ब्रांच है, हमें नीचे कुछ भी नहीं चाहिए इनके अंदर। ये इस तरीके से जैसे इसकी ग्रोथ ऊपर ज़्यादा हो रही है तो हम इसको यहाँ से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रोक देंगे और इसको हम
यहाँ ऊपर इसका पेड क्रिएट करेंगे। ये देखिए तीसरा प्लांट भी लगा दिया हमने। अब ये धीरे धीरे करके व्यूअर इनकी कटिंग प्रो में होती चली जाएगी और ये शेप में आते चले जाएंगे। आप इस तरीके से व्यूअर जो बिगनर हैं वो इस तरीके से कटिंग कहीं से ला के या नर्सरी से कोई छोटा प्लांट ला के आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद व्यूअर।